धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी जय हरी, जय हरी बाबा, जय हरी। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। केदारनाथ बाबा की जय। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना। केदारनाथ के बद्रीनाथ आ गए वो। भगवान विष्णु के इस मंदिर में महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। मोटर है टाइटो ये बद्रीनाथ बाबा। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। ये पंढरपुर भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ सौ साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर। पंजाब सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो ये मस्त नहीं का हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात बलि जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और समुद्र पानी दिखते। भगवान जगन्नाथ का ये कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में हुई। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर। ये सगड़ा लक्कर मंदिर है, मुझे सगड़ा भारी मंदिर है। लक्कर मंदिर है मीनाक्षी, जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का 2500 वर्ष पुराना गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहां दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियाँ हमें पहुँचाएंगी भारत तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। क्या दर्शन गया बाबा लेना।
साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर